जनता मोहित को टिकट दिला रही है, पार्टी जीतने वाले को टिकट दे रही है। 50,000 आदमी जिसके बर्थडे पे मुबारकबाद देने आ जाए, इसमें सांसद आ जाए, जिले के सभी नेता आ गए, आप मिले नहीं, सभी नेता हैं, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आ गए, वो सोच समझ के फैसला करेंगे। तो मोहित को तो टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो भी मोहित तो पार्टी के साथ है। पर डॉक्टर जसवंत फुल फ्री हैंड है, मैं बलजीत, क्योंकि हजारिया पहलवानों से बलजीत निपटे नहीं और मैं बलजीत को छोड़ू नहीं, इसलिए जो मुझे करना पड़ेगा वो करूँगा। अलवर के बहरोड़ में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री जसवंत यादव ने अपने बेटे के जन्मदिन पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन बेटे के जन्मदिन के बहाने ही जसवंत यादव ने बीजेपी आलाकमान को अपनी ताकत का एहसास करवाने की भी कोशिश की है। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में जसवंत यादव अपने बेटे मोहित यादव के लिए बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि टिकट मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटे मोहित को तो बीजेपी के आला नेताओं ने आशीर्वाद दे ही दिया है, लेकिन जसवंत यादव अपनी मर्जी का मालिक है। इतना आशीर्वाद किसी भाग्यशाली को मिलता है जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य है, जो कुल्ली 11 सदस्य होते हैं, उन वो सदस्य यहाँ आके आशीर्वाद दे जाए, उससे आगे तो भारतीय जनता पार्टी में और कोई आशीर्वाद हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर्वोच्च संस्था है, वही सब कुछ फैसला करते हैं, उनका आशीर्वाद मिल गया, जनता ने मन से आशीर्वाद दे दिया, पत्रकारों ने आके सहयोग कर दिया, सबने सबका ही धन्यवाद है। इससे बढ़िया कमेंट में तो इतना कर दिया कि मैं कहने को शब्द ही नहीं बचा। डॉक्टर साहब आप रखा है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है मोहित के लिए, मोहित है पार्टी का वफादार सिपाही, क्योंकि संघ का कार्यकर्ता है वो जीवन में मुझे छोड़ सकता है पर पार्टी के साथ ना तो अलग हो सकता ना वो पार्टी को छोड़ सकता है, और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैंने निवेदन किया है अपने हाई कमांड से कि जनता का जो मन है कि अगर मोहित को लड़ाओ तो बहरोड़ से ही लड़ाना, मोहित को टिकट दो तो बहरोड़ से ही देना, अगर मोहित को टिकट नहीं दे सको तो मोहित के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके तरफ से तो कोई इस बात का रिएक्शन होगा नहीं। पर डॉक्टर जसवंत इसलिए कुछ करना चाहता है, बलजीत यादव ने सबसे ज़्यादा अगर बुरा कर्म किया था तो मेरे साथ किया था, वो तो शुक्र है 11 आदमी हथियार लैस होकर अकेले में मोहित को रोका, वो तो आप लोगों की सबकी दुआएं थी, जनता की दुआएं थी, भगवान कृपा थी, वो बच गया, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी मोहित को चुनाव नहीं लड़ाती है तो मैं किसी भी कीमत पर अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, पर मैं माननीय बलजीत जी को सबक सिखाए बिना नहीं मानूंगा। कतई कहा था कि डॉक्टर ने संन्यास ले लिया, उस बात पे कायम हूँ, पर तब बलजीत ने मोहित को मारने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए बलजीत को निपटाने के लिए मेरा कोई भी मैं नहीं संन्यास लिया, मैं नहीं तोड़ दिया, कर लो कोई क्या करूँ। ये कौन सा मैंने सभी मेरे साथ है, ये हमने देख लिए, इसलिए महेंद्र क्या कहे, बलवान क्या कहे, ये सब बलजीत की पीटी में दिन में गाड़ी दे, रात को जाके लुगड़ी ओट के होटल में होकावे धोक दे कावे, इसलिए छोड़ो इनकी बात। दरअसल जसवंत यादव और बहरोड़ के विधायक बलजीत यादव की पुरानी सियासी रंजिश है, इसी वजह से जसवंत यादव अब अपने बेटे मोहित यादव को किसी भी कीमत पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देने का मन बना चुकी है, लिहाजा जसवंत यादव ने भी खुलकर कह दिया है कि अगर बीजेपी ने बेटे मोहित को टिकट नहीं दिया तो चाहे उन्हें निर्दलीय ही ताल क्यों ना ठोकनी पड़ जाए, बहरोड़ से बलजीत यादव का डब्बा गोल करके ही दम लेंगे। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।